हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मोरे मशीन डिजाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके बाद में इस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन गिवन रहेगा। कंस्ट्रक्ट अ मोरे मशीन दैट टेक्स बाइनरी नंबर्स एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस रेसिड्यू मॉड्यूलो 5 एज आउटपुट। अब इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद में हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कौन सा मशीन डिजाइन करना है, यहाँ पे हमें मोरे मशीन डिजाइन करना है। यहाँ पे इनपुट आइडेंटिफाई करेंगे, तो इनपुट में बाइनरी नंबर को प्रोवाइड करना है और बाइनरी नंबर में जो अल्फाबेट होता है वो 0 और 1 होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आउटपुट में यहाँ पे क्या हमें प्रोड्यूस करना है। आउटपुट में हमें रेसिड्यू मॉड्यूलो 5 प्रोड्यूस करना है, मीन्स रिमाइंडर को जनरेट करना है। रेसिड्यू मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, मीन्स हमें रिमाइंडर जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, रिमाइंडर जनरेट करना, रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 गिवन है। तो आप किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो टोटल कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे, 5 रिमाइंडर्स। और वो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। 5 नहीं होगा, 0 to n-1। अगर यहाँ पे 5 है तो 0 to 4, अगर यहाँ पे 3 होता तो 0 to 2, कोई भी वैल्यू, अगर n होता तो 0 to n-1। तो चलिए इसको अब हम डिजाइन करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट हमें इनपुट अल्फाबेट डिफाइन करना है और इनपुट में बाइनरी नंबर गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर का अल्फाबेट हमें डिफाइन करना है। अल्फाबेट के लिए सिग्मा सिंबल यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर का अल्फाबेट 0 और 1। इसके बाद में हमें आउटपुट भी डिफाइन करना है, आउटपुट में हमें रिमाइंडर जनरेट करना है, तो आउटपुट के लिए डेल्टा सिंबल का यूज करते हैं। आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 रिमाइंडर जनरेट होंगे। अगर 5 है तो 5 रिमाइंडर जनरेट होगा, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 रिमाइंडर हम जनरेट करते। इनपुट आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, टेबल फाइंड करेंगे। तो देखिए जब भी मोरे या मेले मशीन का क्वेश्चन आए, आपको सिंपली EFA डिजाइन करना है विदाउट फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट नहीं रहेगा, फाइनल स्टेट के प्लेस पे हम आउटपुट को जनरेट करेंगे। तो आपको पता होगा प्रीवियस वाले लेक्चर में जब हमने नंबर सिस्टम के लिए DFA डिजाइन किए थे, तो उसके लिए पहले हमने ट्रांजिशन टेबल फाइंड आउट किया था। और ट्रांजिशन टेबल को कैसे फाइंड किए थे, सिक्वेंशियल मैनर में फाइंड आउट किए थे। मेरा सजेशन है अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इस लेक्चर के आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप यहां से भी देख सकते हो। तो चलिए सिंपल, सबसे पहले देखिए इसका ट्रांजिशन टेबल हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से स्टेट्स, टोटल कितने स्टेट्स आएंगे, देखिए जितने रिमाइंडर उतने स्टेट्स आएंगे। तो पहले हम स्टेट्स को लिख देंगे, टोटल फाइव स्टेट्स Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4। आप ABCD भी यूज कर सकते हो, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे इधर मुझे अल्फाबेट लिखना है, तो अल्फाबेट में कितने सिंबल है, 2 सिंबल, 0 और 1, ये मैंने लिख दिया। ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे, तो ट्रांजिशन के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करोगे, इसी स्टेट्स को इधर लिखना है, वो भी सिक्वेंशियल बाइनर में। तो फर्स्ट स्टेट Q0, नेक्स्ट Q0 के बाद में कौन सा स्टेट आएगा, Q1, नेक्स्ट Q2, नेक्स्ट Q3, नेक्स्ट स्टेट Q4, स्टेट एंड हो गया, अगेन स्टार्ट करेंगे Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4। DFA का ट्रांजिशन हो गया, बट हमें मोरे मशीन का ट्रांजिशन फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको आउटपुट भी ऐड करना पड़ेगा। आउटपुट हम ऐड करेंगे, अब मुझे यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, यही रिमाइंडर को आउटपुट में जनरेट कर देना है। Q0 पे 0 रिमाइंडर, Q1 पे 1 रिमाइंडर, देन 2 रिमाइंडर, देन 3, देन 4। तो इस तरीके से आउटपुट जनरेट करना है। मोरे मशीन में ईच एंड एवरी स्टेट पे हम आउटपुट को जनरेट करते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस टेबल में, ये प्रेजेंट मोरे मशीन के टेबल में प्रेजेंट स्टेट होता है और इधर नेक्स्ट स्टेट होता है, नेक्स्ट स्टेट। इस तरीके से हम टेबल डिजाइन कर देंगे, प्रेजेंट स्टेट होता है, नेक्स्ट स्टेट और ये आउटपुट। इस तरीके से आपको मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल फाइंड आउट करना है। इसके बाद में हम मोरे मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ मोरे मशीन
पूरे मशीन टोटल कितने स्टेट्स आए? फाइव स्टेट्स क्यू जीरो, नेक्स्ट क्यू वन स्टेट, क्यू वन स्टेट, नेक्स्ट क्यू टू स्टेट, नेक्स्ट क्यू थ्री स्टेट, नेक्स्ट क्यू फोर स्टेट। क्यू जीरो इनिशियल स्टेट है। अब इस डायग्राम को टेबल से हमें फाइंड करना है। देखिए टेबल में ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू जीरो टू क्यू जीरो, क्यू जीरो टू क्यू जीरो, अल्फाबेट क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्यू जीरो टू क्यू वन, क्यू जीरो टू क्यू वन, अल्फाबेट में वन लिखेंगे। नेक्स्ट क्यू वन टू क्यू टू, क्यू वन टू क्यू टू, जीरो। नेक्स्ट क्यू वन टू क्यू थ्री, क्यू वन टू क्यू थ्री, अल्फाबेट वन। नेक्स्ट क्यू टू टू क्यू फोर, क्यू टू टू क्यू फोर, जीरो। नेक्स्ट क्यू टू टू क्यू जीरो, ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू टू टू क्यू जीरो, वन। नेक्स्ट क्यू थ्री टू क्यू वन, क्यू थ्री टू क्यू वन, क्यू थ्री टू क्यू वन, जीरो। क्यू थ्री टू क्यू टू, क्यू थ्री टू क्यू टू, वन। क्यू फोर टू क्यू थ्री, क्यू फोर टू क्यू थ्री, जीरो। क्यू फोर टू क्यू फोर, वन। इस तरीके से आपको ट्रांजिशन ड्रॉ कर देना है। बट ये अभी मूरे मशीन नहीं, ये डिटर्मिनिस्टिक मशीन हमने डिजाइन कर दिया, ये डीएफए भी नहीं। अगर इस डिटर्मिनिस्टिक मशीन में फाइनल स्टेट को डिफाइन कर देंगे तो ये डीएफए बन जाएगा, और अगर आउटपुट जनरेट कर देंगे तो ये मूरे मशीन बन जाएगा। तो देखिए हमें मूरे मशीन डिजाइन करना है, तो ईच एंड एवरी स्टेट पे आउटपुट भी जनरेट करेंगे। देखिए इस तरीके से आप कॉमा भी यूज कर सकते हो या लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। क्यू जीरो पे आउटपुट क्या जनरेट होगा? जीरो। क्यू वन पे आउटपुट वन, क्यू टू पे आउटपुट टू जनरेट, क्यू थ्री पे थ्री को जनरेट करेंगे, क्यू फोर पे फोर को जनरेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप सिंपली मूरे मशीन डिजाइन कर सकते हो। मैं एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो देखिए आपको कैसे डिजाइन करना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बाइनरी नंबर था तो कॉलम हमने क्या लिया? जीरो वन लिया। अगर क्वेश्चन में टर्नरी नंबर आया होता तो अल्फाबेट क्या होता? जीरो वन टू, तो टोटल कितने कॉलम्स हो जाते हैं? थ्री कॉलम्स। अगर क्वेश्चन में ऑक्टेल नंबर आ गया तो ऑक्टेल के लिए जीरो टू सेवन टोटल एट कॉलम्स हो जाता। अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर का क्वेश्चन आया होता तो जीरो टू नाइन टोटल टेन कॉलम्स, इस तरीके से। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये देखिए, यहाँ पे रेसिड्यू मॉड्यूल का भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे रिमाइंडर का भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे डिविजिबल का भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे भी क्वेश्चन आए बस आपको ये वैल्यू देखना है। अगर यहाँ पे फाइव है तो फाइव स्टेट्स होंगे, कितने रोज हो जाएंगे? फाइव। अगर यहाँ पे थ्री आया तो थ्री स्टेट्स हो जाएगा, थ्री रिमाइंडर। अगर यहाँ पे फोर आए तो फोर स्टेट्स होगा, फोर रिमाइंडर। तो आप रो वाइज लिखेंगे, और इधर ट्रांजिशन में आपको सिक्वेंशियल मैनर में यही स्टेट्स लिखना है, और लास्ट में आपको क्या करना है? आउटपुट जनरेट कर देना है। जो वैल्यू देखिए जीरो वन टू, यही वैल्यू हमने आउटपुट पे जनरेट किया। जैसे नंबर सिस्टम का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप इजिली मूरे मशीन डिजाइन कर सकते हो। आई होप आज का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।